सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मलिका के हुक्म के मुताबिक हमने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए आफरीन। फिक्र मत करें आप, हम खुद अखबार लेकर जाएंगे उनके पास, हमारा बताना ज्यादा मुनासिब रहेगा। व्लादिमीर कल पाया तख्त पहुंच रहा है। बल्कि इसका मकसद यह है कि यह खबर पढ़कर आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो रियासत के खिलाफ जाए। लेकिन हम जानते हैं कि वो कौन है। यकीनन कमालुद्दीन पाशा है। शहजादे ने अब्दुल हमीद के तबीब से वादा किया है कि अगर वो तख्त नशीन हुआ तो उसे अपना वजीर बना लेगा। जिन लोगों ने हमें जहर दिया उन्हें तुम तलाश करो और ढूंढो उस तबीब को भी। कि आपने अब्दुल हमीद के खास तबीब के साथ मिली भगत करके जहर दे दिया उन्हें। झूठ है। भागो शहजादे भागो। मैं जानता हूं क्या करना है। अपनी गद्दारी का जिक्र वाज़ह तौर पर करना, ठीक है? सुल्तान अब्दुल हमीद को जहर मैंने जाती दुश्मनी की बिना पर दिया था, ये इसमें लिख दो। कोई भी नहीं है यहां। जब लगा के पकड़ा जाएगा तो फरार हो गया। लानत हो इस इंसान पर। सुल्तान की जान बचाने के बजाय उनकी जान लेने की कोशिश की। एक समझदार तबीब आखिर हमारे सुल्तान को क्यों मारना चाहेगा? यकीनन इसके पीछे किसी का हाथ है। उस्मान, घर की तलाशी लो तुम, शायद हमें कुछ मिल जाए। समझ गया। लगता है मुझे एक सबूत मिल गया। क्या है वो? क्या लिखा है?
सुल्तान की जान लेने के बदले में बहुत नवाजा जाएगा तबीब को। ये तबीब वजीर बनने वाला था। कौन उसे वजीर बनाने वाला था उस्मान? शहजादा अब्दुल कादिर। शहजादा अब्दुल कादिर ने मोहर लगाकर उसे वजीर बनाने का वादा किया। शहजादा अब्दुल कादिर क्या तख्त पर बैठा है जो वजीर बनाने का वादा करेगा? अब्दुल हमीद उसे मुआफ नहीं करेगा, ये बात वो अच्छी तरह जानता है। तेल के इदारे के हिस्से बहुत जल्द हमारे होने वाले हैं। जनाब पारवुस से कहो कि रकम का इंतजाम कर लें। महमूद पाशा, पारवुस के लिए रकम का कोई मसला नहीं, आप वो हिस्से खरीदें और अच्छी तिजारत करें। बाबा हाँ, पहले हिस्से खरीद लेते हैं, बाकी मामला बाद में देखेंगे। हो सकता है अब्दुल कादिर ना हो राजी, फिर आप क्या करेंगे? मैं शहजादा अब्दुल कादिर से ये कहूंगा कि जिन लोगों के पास वो दस्तावेज है जो शहजादे को बेगुनाह साबित कर सकती है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया है, उन्हें इसके बदले इसकी कीमत चाहिए। इस बात का मतलब ये हुआ कि हिस्स दे दो, दस्तावेज ले लो। यानी उसके प्यारे पप्पा एक छोटी सी रकम के बदले उसे मुसीबत से बचाएंगे। हाँ बिल्कुल। मैंने अमरीकी हुकाम से बात की थी, उनका कहना है कि पारवोस की तजवीज काबिल कबूल है। जैसा कि आपने कहा, बरतानवी बहरिया भी आपके शान बशाना खड़ी है। आप ये समझते हैं कि रियासतों पर शहंशाह हुकूमत करते हैं? आज के आलमी निजाम में वो प्यादों से बढ़कर नहीं, आज के बाद दुनिया का वाहिद। पाशा, दुनिया के नक्शे में इतने दिमाग से क्या देख रहे हैं आप? मेरे सुल्तान, मैं परेशान हूं। अमरीकी बरतानिया और दीगर रियासतों के साथ मिलकर हमला करेंगे। हमने हाल ही में जंग लड़ी है, फौज ताजा दम नहीं है, लेकिन आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। अल्लाह के फजलो करम से हम सबका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फौज को जंग में झोंकना रियासत के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि कोई भी जंग शुरू करने से पहले फौज की जरूरियात को पूरा करना पड़ता है। सुल्तान मौसम, अमरीकी फौज हर तरह से तैयार है, उसकी बहरिया भी तैयारी में मसरूफ है। अगर आप इस बात से परेशान नहीं हैं, तो यकीनन आपके पास कोई मंसूबा होगा। है पाशा। क्या है मेरे सुल्तान? क्यूबा में हसन अनवर पाशा के नाम एक टेलीग्राम भेजे। हसन अनवर पाशा को क्यों? पाशा, टेलीग्राम मशीन खोलें। शुरू करें, उम्मीद है खैरियत से होंगे पाशा। पाए तख्त में ठंड बढ़ गई है, इसीलिए तपिश की बहुत जरूरत है, इंतजाम करें इसका। मैं समझा नहीं। ये खुफिया जबान है पाशा। सुल्तान मौसम, खुफिया जबान में क्यों? हम बराए रास्त भी तो लिख सकते हैं पाशा। टेलीग्राम ट्रांस अटलांटिक लाइन से गुजर कर जाएगा, अददी पैगाम को वो बासानी समझ लेंगे और उसकी तरसील को मौकूफ कर देंगे। यही वजह है खुफिया पैगाम भेजने की। मेरे अल्लाह, कैसे जिएंगे हम?
दिन हम गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी उम्मीद छोड़ते जा रहे थे। मैं आने वाला नहीं था, लेकिन आपको इंतजार भी नहीं करवाना चाहता था। इश्क को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं आपको यहां अलविदा कहने आया हूं। बाजी, आप यहां क्या कर रही हैं? मौसम सर्द है, बीमार हो जाएंगी। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी कोई अहमियत नहीं है किसी की नजर में। ऐसा तो मत कहे। ना तो हम किसी को चाह सकते और ना ही कोई हमें। हम माजूल सुल्तान की दुख्तर हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी करने का कोई हक नहीं हमें। हमें अपनी जिंदगी जीने का भी कोई हक नहीं। हम हैं आपके साथ, फूफी जान भी है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए हमारे साथ अंदर चलिए, हम आपके लिए कहवा बना कर लाते हैं। चले आ जाए बाजी।
सुल्तानों में बेहतरीन सुल्तान वो है जो उलमा का हम नशीन होता है, और आलिमों में बदतरीन आलिम वो होता है जो आलिम सुल्तानों का हम नशीन होता है। ये कहावत है। हमने तलाश की आपको, हमारा काम आपको साथ रखना है। जबकि मेरा काम आपसे दूर रहना है मेरे सुल्तान। हम आपका शुक्रिया अदा करने और अपनी अमानत वापस लेने आए हैं। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र बजा नहीं लाता। आपकी अमानत महफूज है, हमें इसमें कोई शुबा नहीं। आपको जब मेरी जरूरत होगी मुझे आप अपने साथ पाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करें मेरे सुल्तान। ये कैसे मुमकिन है? दुश्मन रियासत पर हर जानिब से हमला करने वाला है। कभी कभी हम भी उलझ कर रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हम इस काबिल हैं जो ये बोझ उठा सके। डरते हैं कि कोई फैसला गलत ना कर बैठे जिसकी वजह से कोई नाइंसाफी हो जाए हमसे। इंसाफ के लिए परेशान रहे, क्योंकि अगर हुक्मरान गैर मुनसिफ होने के डर में मुब्तला है तो उसकी मामूली गलती माफ की जा सकती है। बचकर कहां जाओगे? सुल्तान अब्दुल हमीद को तुम मारना चाहते हो ना? इसकी सजा दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम ये बता दो कि किसके लिए काम करते हो तो बख्श दूंगा। अपने लिए काम करता हूं मैं, जिसे भी मारता हूं खुशी से मारता हूं अपनी। खुशी का कोई गुलाम नहीं होता, सिर्फ मालिक का होता है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी आसानी से पकड़ गए। लगता है पारवुस ने थका दिया है। पारवुस ने नहीं, अब्दुल हमीद के जासूसों ने। मार्को, अब ये मत कहना कि जासूसों ने घेर लिया था तुम्हें। ये तुम्हारे आने से पहले हुआ था, अब उनके पास मौका नहीं। तुम जो आ गए हो हम उनसे मिलकर लड़ेंगे। हाँ क्यों नहीं। पारवुस ने तो कहा था तुम शाम में आओगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जल्दी आकर थोड़ी सैर करना चाहता था। ठीक है। तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो पारवुस तुमसे नाराज हो गया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस ये मामला जल्दी निपटाना चाहता था। इसका मतलब अखबारात में छपने वाली खबरें सच थी, वो तख्त नशीनी की तैयारी कर रहे थे। अब्दुल कादिर ऐसी जुर्रत कैसे कर सकते हैं? मुझे यकीन नहीं इस बात पर। उस्मान सच कह रहा है, हमारे पास शहजादा अब्दुल कादिर के खिलाफ दस्तावेजी सबूत है। इस पर शहजादे की मोहर लगी हुई है। ये सुल्तान के पास कैसे लेके जाऊं मैं? कैसे कहूं कि जहर देने वाले से वजारत का वादा किया गया था? फिक्र मत करो सबाहतीन, मैं सारा बंदोबस्त कर चुका हूं। तुम अब्दुल कादिर को तलाश करके ले आओ। अब्दुल कादिर के साथ क्या करने वाले हैं हम? तुम जानते हो कि हर जगह तुम्हारी तारीफ करता हूं। बहुत तारीफ, बहुत तारीफ, बहुत तारीफ करता हूं। मेरा बेटा बहुत जहीन है, हर काम अच्छी तरह कर सकता है, लेकिन हर मर्तबा अहमकाना सवाल करके मुझे गलत साबित कर देते हो।
ऐसा मत कहें बाबा, सब लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बेटा बिल्कुल बाप पर गया है। मतलब क्या है तुम्हारा? खड़े हो जाओ, उठो। सुल्तान के जासूस अब्दुल कादिर की गद्दारी का सबूत सुल्तान को देने जा रहे होंगे। शहजादे को उस वक्त महल में नहीं होना चाहिए। शहजादे को तलाश करो और यहां ले आओ। जो आपका हुक्म पाशा। अहमक लड़का, निहायत अहमक लड़का। सुल्तान मौसम, शख्सी जमानत के एवज मैंने मशीनें खरीद ली हैं। तमाम मशीनें केरकुक भिजवा दें, इंजीनियर्स तैयार हैं, तेल निकालने का काम शुरू किया जा सकता है। आखिरकार इस काम का आगाज हो रहा है। मशीनें और आराजी हमारा इदारा फराहम करेगा, और जबकि इंजीनियर्स की फराहमी सलीम पाशा के इदारे की होगी। बहुत खूब, अलग इदारे, मुश्तरक मकसद। मशीनें फौरन केरकुक भिजवा दी जाएं। जी बिल्कुल। सलीम पाशा, ग्रेफंड अफंदी के इदारे से वो मशीनें खरीद लें उसी कीमत पर जिस कीमत पर उन्होंने खरीदी हैं। इसके लिए शहजादे के दस्तखत चाहिए होंगे, लेकिन ग्रेफंड अफंदी यकीनन इस इकदाम से खुश नहीं होंगे, एतराज करेंगे। इस मामले में हम किसी की खुशी को मद्देनजर नहीं रख सकते। तेल का मामला हमारी कौम की अमानत है हमारे पास। अगर तेल के जखायर को रियासत के लिए मुनाफा बख्श बनाने में हम कामयाब ना हो सके तो जेर जमीन सारा तेल खून में मिल जाएगा। मलिका, सवाल के लिए माजरत चाहता हूँ, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? हम आपसे खुलकर बात करना चाहते हैं पाशा। हमारी दुख्तर नाइम में आपके जज्बात के बारे में शक में मुब्तला है। क्या वाकई? लेकिन मैं आपकी इस बात की वजह समझ नहीं पाया। ये सब सिर्फ नाइमे के जज्बात हैं। उन्हें कई दिन से महसूस हो रहा है कि आपको उनसे ज्यादा किसी और की परवाह है। कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जरूरत नहीं कर सकता। चलिए ना, रुक क्यों गई आप? मलिका, शहजादी नाइमे को कहिए कि वो पुरसकून रहे। मैं अपने होने वाली बीवी को परेशान नहीं देखना चाहता। हमें आपसे यही उम्मीद है कमालुद्दीन पाशा। हमने तबीब के घर की तलाशी ली है मेरे सुल्तान। कुछ मिला वहां से? हमारा अंदाजा ठीक निकला, तबीब ने ही आपको जहर दिया था। वो तबीब रियासत के हामी यहूदियों में से था, यतीम था। उसकी परवरिश हमारी रियासत की जानिब से हुई। जब वो हमारे दरवाजे पर आया तो हमने इनकार नहीं किया, उसे तिब्बी तरबियत के लिए यूरोप भेज दिया हमने। जब भी उसने कुद्स जाना चाहा तो हमने इजाजत दे दी, उसे अपनी जिंदगी सौंप दी। हमारे दादा ने फराख दिली से उसके लिए महल के दरवाजे खोल दिए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसे, क्योंकि वो भी अहले किताब है। दुनिया भर में बहुत मजालिम हुए इन पर, हर जगह से इनको निकाला गया, लेकिन हमने उसे इस्लाम की रहमत का मुजाहरा दिखाया, लेकिन उसने
एक खलीफा की जान लेने की कोशिश की। अल्लाह सबसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। ये क्या है? हमें दो फर्जंद। अब्दुल कादिर अफंदी को बुलाओ। कमालुद्दीन पाशा ने जो भी कहा इंतहाई खुलूस के साथ कहा। उन्होंने कहा वो आपको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। उन पे यकीन करना पसंद करेंगे हम। अब आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दें और अपने मंगेतर पर यकीन करें। आपके बाबा भी ठीक हो चुके हैं, जल्द शादी हो जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत खुश रहेंगी। इंशाल्लाह वालिदा। मेरे शहजादे, आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। हमारी फिक्र मत करें आप। हमारे आने का सबब आपको आगाह करना है। वो हमें तलाश कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? यकीनन हम महल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा शहजादे। मुझे लगता है कि आप इस मामले की संगीनी से वाकिफ नहीं हैं। हमने इंतजाम कर लिया है। मोहर की चोरी की इत्तला महल के दफ्तर में भिजवा दी है। कोई हम पर बहुतान लगाएगा भी तो कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे हम। तंबी करने के लिए शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। देखिए मेरे शहजादे, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। याद रखिएगा, एक ऐसा एतराफी बयान मौजूद है जो आपको बेगुनाह साबित कर सकता है। अब्दुल हमीद से जाती दुश्मनी की बिना पर मैंने उसे जहर दिया, ये अल्फाज सबसे ऊपर लिखो। कौन है वो पाशा? मैं ज्यादा तफसील तो नहीं जानता, मगर ये कि उसका नाम मार्को है। मुझसे उसी लड़के ने राब्ता किया था। दस्तावेज के बदले क्या चाहिए? रकम शहजादे, बहुत बड़ी। इसके बदले उसने 300 मिलियन का मुतालिबा किया है। हमारे पास इतनी रकम नहीं है। मैं जानता हूँ शहजादे, जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास इतनी रकम मौजूद नहीं है। मैंने काफी सोचा, मैं अपने शहजादे की मुश्किल हल करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं सोचता रहा, फिर मैंने सोचा कि तेल के इदारे के हिस्से जो कि आपके पास है वो बहुत कीमती है, तो अगर उनमें से कुछ हिस्से साहब मेरे हवाले कर दें तो। शहजादे, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर एतमाद नहीं करते, लेकिन सबाहतीन पर तो एतमाद करते हैं ना, तो अगर आप अपने कुछ हिस्से सबाहतीन के नाम पर करते हैं तो उसके बदले दस्तावेज हासिल कर सकते हैं और इस परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। हमें खुद पर यकीन है, हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन सबाह तीन को हिस्से दे सकते हैं। अगर हम पर कोई बहुतान लगा तो सबाह तीन वो हिस्से फरोख्त करके दस्तावेज ले सकते हैं। जो हुक्म, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह की नौबत नहीं आएगी, इंशाल्लाह। चले आ जाए भाइयों और बहनों, खाना ले जाइए और हमारे सुल्तान के लिए दुआ कीजिए। आ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए आइए जनाब, आप भी ले जाइए। महल के बावर्ची खाने में पका खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। खाइए जनाब। आप भी ले जाइए और सुल्तान को दुआ दीजिए। नहीं शुक्रिया, भूख नहीं है। हमारे सुल्तान के लिए दुआ कीजिएगा। मार्को, मुझे पहले ही दिन अब्दुल हमीद से मोहब्बत हो गई है। देखो ना, मुफ्त में खाना तकसीम कर रहा है। तुम भी थोड़ा खा लो, बहुत लजीज है। उसकी मैयत का होता तो खा लेता।
यहां थोड़ी देर इंतजार करेंगे। परवुस यहां आने वाला है क्या? किसी और का इंतजार है, फिर मैं ले जाऊंगा तुम्हें परवुस के पास, फिक्र मत करो। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने तुमसे क्या कहा था? भरोसा किया था तुम पे। मुआलिज को तिरयाक क्यों नहीं दिया? दे दिया था, मुआलिज को दे दिया था मैंने। तिरयाक की जगह जहर दिया उसने अब्दुल हमीद को। मार्को, इसके लिए मुझे इल्जाम नहीं दे सकते तुम। उसने एतराफ किया है कि उसने खुद किया है। देखो ये मतलब कोई चाहता था कि वो एतराफ करे। क्या अब्दुल हमीद की मौत का ख्वाहिशमंद सिर्फ मैं हूं मार्को? आधे से ज्यादा दुनिया ये चाहती है कि अब्दुल हमीद जल्द मर जाए, लेकिन तुमने मार्को मुझे मुल्ज़िम बना दिया। क्या हुआ? कहाँ है शहजादा? वो महल में नहीं है मेरे सुल्तान। जब आपने हुक्म दिया, मुहाफिज उसी वक्त से ढूंढ रहे हैं। शहजादे की जानिब से वजारत का वादा, वो भी मोहर के साथ, उस तबीब के लिए जो हमारा इलाज कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? शहजादे ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे। दुश्मनों का अधूरा काम पूरा करने के लिए पाशा। मेरे सुल्तान, इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता। वाकई बहुत मुश्किल है पाशा, मुश्किल है। बुरा तो नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम आज भी तहसीन पाशा जेम सुल्तान को नहीं भूल पाए। उसने हमारे भाई से बगावत की और वेटिकन में उन्हें असीर बनाकर जुल्म किया। तकदीर के फैसले के खिलाफ हुक्मरानी चाहिए। रियासत की अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला सुल्तान, जेम सुल्तान। जेम हमारी रियासत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत था। वो वक्तन फवक्तन रियासत को मुसीबत में डालता रहता था। वेटिकन में कैद के बाद उन दोनों को बहुत पछतावा हुआ, जैम सुल्तान को भी और बायजीद को भी, अब्दुल कादिर अफंदी को। वेटिकन का कोई फर्द तलाश कर ले, इससे पहले हमें तलाश करना होगा। आ जाओ। शाम दीद, तुम पाया तख्त में मेरा गजब बनोगे। जैसा आप कहें जनाब। ये कारा सूसे लिया है, मौलिज का एतराफ है। उनका कहना है उनकी मुट्ठी में है अब्दुल कादिर। क्या वाकई इस पर मौलिज की मोहर लगी है? इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुमने मेरे हर हुक्म पर सवाल उठाया मार्को,
और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। सुल्तान मौसम, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि शहजादे इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। कोई ना कोई हाथ इन मामलात में शामिल है। हो सकता है पाशा, लेकिन हमारे पास एक ठोस सबूत है। सबसे पहले शहजादे को इस सबूत की तर्दीद या तस्दीक करना होगी। मेरे सुल्तान, माफ कीजिएगा, मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। कहिए तहसीन पाशा, कहिए। मेरे सुल्तान, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? वो रियासतें जो मुस्तकिल हम पर मुतवातिर हमले करती रहती हैं, गैर मुहज़्ज़ब मुंतज़मीन की गलतियां, कौम को तकलीफ देने और गद्दारी करने वाले अनासिर, माफ कीजिएगा, और आपका बेटा, ये सब कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? वो जो मौत की धमकी देते हैं, वो जो तौहीन करते हैं, किस तरह उनका सामना करते हैं आप? मिल्लत की परेशानियां, रियासत की भलाई के लिए आपकी कोशिशें, ये सब आप कैसे कर लेते हैं? पत्थर में शिगाफ पड़ता है, लोहा टूट जाता है, आग लग जाए तो वो भी बुझ जाती है। मैं खड़ा नहीं रह सकता मेरे सुल्तान। कभी कभी तो सोचता हूं जाऊंगा और कहूंगा कि आप इतना बोझ उठाते हैं और मैं आपका बोझ हल्का भी नहीं कर सकता, इसलिए जा रहा हूं मैं। बताते हैं हम आपको तहसीन पाशा, आप जैसे दोस्त के साथ हम जानते हैं आप क्या सोचते हैं। मालूम है हमें आपको अफसोस होता है, परेशान होते हैं आप हमारे लिए। आप हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी दोस्ती हमारी ताकत है पाशा। अल्लाह आपसे राजी हो पाशा। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्तान। मैं डरता हूं मेरे सुल्तान। डरे नहीं पाशा, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक। वक्त हो चुका है पाशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगाज कीजिए पाशा। सुल्ताने मौसम, आपका हुक्म भेज दिया है, पाशा अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन समझा नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं पाशा। किसके साथ? उस दुश्मन के साथ जो हमला करने वाला है क्यूबा में। दुश्मन को पेशकदमी से पहले ही रोक दें पाशा। क्यूबा हस्पानवी कॉलोनी है। जब मालूम हुआ कि वहां 10,000 के करीब उस्मानी आबाद है, तो हमने अपना सिफारत खाना खोला वहां मौजूद मुसलमानों की हिफाजत के लिए। क्यूबा से हसन अनवर पाशा वहां की तमाम खबरें भेजते रहते हैं हमें। हसन अनवर पाशा,
इस वक्त समंदर में होंगे। पाशा को जब हमने वहां भेजा तो हस्पानवी और उनके दुश्मनों के दरमियान जंग का खतरा मौजूद था। हालात बहुत खराब थे, क्यूबा पर बगावत के बादल मंडला रहे थे। बिलाखिर वहां बगावत ने सर उठा ही लिया। तब से उनके दुश्मन क्यूबा के लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे सुल्तान? हम अपने मुश्तरका दुश्मन पर हस्पानवी बैलों को छोड़ रहे हैं। मीलों दूर से हम अपने दुश्मन को मुतनब्बे कर रहे हैं कि उन्हें कानून की खिलाफ वर्जी करके उस्मानिया सल्तनत की हदूद में आने की गलती नहीं करना चाहिए। उनके सामने अब एक नई जंग होगी पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे दुश्मन की हस्पानवियों के साथ जंग शुरू हो जाएगी। उनके पास हमसे लड़ने का वक्त ही नहीं होगा। हमारी सियासत में है कि जब भेड़िया आप पर हमला करे उसे रीछ के सामने कर दिया जाए, फिर भेड़िये का क्या होगा वो रीछ जाने। साथ आने की जरूरत नहीं, आपको सुल्तान के पास ले जाना मेरा फर्ज है। आप हमें महल नहीं लाए मुरादा फंदी, खुद आए हैं हम। सुल्तान के पास जाएंगे तो उन्हें कह दूंगा मैं कि महल खुद ही आए हैं आप, लेकिन उनके पास साथ जाएंगे हम। कौन है उसकी बेटी? सादिया सुल्तान की निगरा फिरोजे। आपके बाबा रियासत हैं, उनके साथ गद्दारी रियासत के साथ गद्दारी है अब्दुल कादिर अफंदी। क्या सजा होनी चाहिए उस गद्दारी की जो शहजादे ने अजाइम से मغلوب होकर हमारे साथ की, हमें मारकर तख्त नशीन होने के लिए? इसका मतलब ये हुआ जिस पाशा से आप मोहब्बत करती हैं उसे आपकी कोई परवाह नहीं, उसने बिदार सुल्तान को मेरी सच्चाई बता दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वजाहत करें,